हेलो फ्रेंड्स, टेक बेट चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको बताना चाहिए, अगर आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है 2010 एक्सपायर हो चुका है तो आप उसको कैसे रिन्यू कर सकते हैं। मतलब ये जो प्रोसेस है सिर्फ 30 दिन के लिए रिन्यू होगा, लेकिन आप इसको बार बार कर सकते हो जितनी बार भी चाहे। तो ऐसे करके 30 डेज करके आप लाइफ टाइम यूज़ भी ले सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके लिए अगर आपका लाइसेंस जो एक्सपायर हो जाएगा तो उसमें आपके पास ये नोटिस आएगा, दिस प्रोडक्ट विल रिमेन अनलाइसेंस अंटिल यू एक्टिवेट। मतलब जब तक आप इसको एक्टिवेट नहीं करेंगे तो आप इसके फीचर यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो आपको 30 दिन के लिए एक्टिवेट करने के लिए क्या करना होगा, अपना माई कंप्यूटर खोलना होगा, उसमें आपको लोकल ड्राइव सी में जाना होगा, वहाँ से आपको प्रोग्राम फाइल्स में जाना होगा, फिर उसके बाद जो है कॉमन फाइल्स खोलना होगा। कॉमन फाइल्स में आपको माइक्रोसॉफ्ट शेयर्ड में जाना होगा। उसके बाद आपको ऑफिस सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन प्लेटफॉर्म जो है उस पर जाना होगा। इसके बाद आपको ये जो OSPPREARM का जो एप्लीकेशन दिख रहा है, मैं आपको इसको जूम करके दिखा देता हूँ, इसको बस रन करना होगा। आप इस तरह से इसको रन कर देंगे तो अब आप अपना माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोलेंगे तो आपको 30 दिन के लिए वापस से आपको यूज़ करने के लिए मिल जाएगा। जैसा कि मैं आपको वापस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खोल के दिखाता हूँ, आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें आपको 30 दिन के लिए वापस से यूज़ करने के लिए मिल गया। तो आप ऐसा जितनी बार चाहें कर सकते हैं और 30 दिन के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज़ में ले सकते हैं। ऐसा करके आप इसको लाइफ टाइम के लिए यूज़ में ले सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आई तो डिसलाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।